थोड़ा पता चल गया था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तो लोगों को हटा दिया गया था। इसके इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो काफी जानमाल का नुकसान होने वाला था। हो सकता है कि काफी लोगों को, क्योंकि ये काफी दुकान चलती भी थी, मोबाइल की दुकान थी रिपेयरिंग के, 6-7 बंदे इसमें काम भी करते थे और लोग रिपेयरिंग कराने के लिए भी काफी भीड़ लगी रहती थी अंदर। लेकिन आज गनीमत ये रही कि होली की छुट्टी होने के कारण यहाँ पर ज्यादा नहीं थे बंदे अंदर। दिल्ली के विजय पार्क इलाके में बुधवार को 5 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। यह करीब 20 साल पुराना था, लगभग दोपहर 12 बजे यह अचानक झुक गया था, जिसके बाद मकान को खाली कर दिया गया था। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आसपास के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दिल्ली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मकान गिरने से आसपास के बिजली के तार भी टूट गए हैं, जिसे रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। जब मकान गिरा उस दौरान नीचे कुछ वाहन भी खड़े थे जो मलबे की चपेट में आ गए, उन्हें भी निकाला जा रहा है। मकान गिरने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें एक 29 सेकंड का वीडियो भी है, जिसमें देखा जा सकता है 5 सेकंड में 5 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। घर के गिरते ही मौके पर मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है।